Let's go. दोस्तों क्या आपको पता है एक परफेक्ट प्रेस हैंडस्टैंड के लिए आपके ट्रैप्स और शोल्डर की स्ट्रेंथ के साथ साथ कोर स्ट्रेंथ एंड लेग की फ्लेक्सिबिलिटी का होना बहुत ही जरूरी है। इसके अलावा भी एक परफेक्ट प्रेस हैंडस्टैंड के लिए कौन कौन से एबिलिटीज आपके पास होनी चाहिए और उनको कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, कौन से एक्सरसाइज आपको प्रैक्टिस करने हैं, आगे वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना क्योंकि वीडियो में बताए गए सारे पॉइंट बहुत ही जरूरी है एक परफेक्ट प्रेस हैंडस्टैंड के लिए। पूरे वीडियो में हम 5 ऐसे एक्सरसाइज प्रैक्टिस करेंगे जो कि मेनली प्रेस हैंडस्टैंड में यूज होने वाले मसल्स को टारगेट करेंगे। तो कौन से एक्सरसाइज हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने फुली वार्म अप हो लेना है जिसमें रिस्ट, शोल्डर, बैक और लेग की फ्लेक्सिबिलिटी को अच्छे से वार्म अप कर लेना है जो कि बहुत ही जरूरी है आगे प्रैक्टिस के लिए। फर्स्ट जो एक्सरसाइज है वो है सपोर्ट पाइक स्लाइड। तो किस तरह से करना है, इस तरह से बेंड पोजीशन में आ जाएं। अब आपको क्या करना है, अपने पूरे बॉडी का वेट शोल्डर में डालते हुए कोर मसल्स को इन्वॉल्व करते हुए पूरा बॉडी को खींचना है। आपका वेट आपके शोल्डर और ट्रैप्स में आने चाहिए। यहाँ पर ध्यान रखना है आपने एल्बो को सीधा रखना है और यह आपने 8 से 10 रेपिटेशन करने। तो ध्यान से देखें किस तरह से करना है, पूरे बॉडी को स्ट्रेट रखें। अब धीरे धीरे हाथों में वेट लेते हुए कोर मसल को इन्वॉल्व करते हुए ऊपर की तरफ बॉडी को इस तरह से खींचना है। यहाँ पर आप ऊपर इस तरह से थोड़ा सा पुश भी करते हुए पूरे बॉडी का वेट आपने शोल्डर और ट्रैप्स में डालना है। और ध्यान रहे गाइस, आपने यहाँ पर एल्बो को स्ट्रेट रखते हुए प्रैक्टिस करना है। इस एक्सरसाइज से आपके शोल्डर और ट्रैप्स की स्ट्रेंथ तो बढ़ेगी, साथ ही साथ आपके कोर मसल और बैक के मसल की स्ट्रेंथ भी डेवलप होगी। तो इस एक्सरसाइज को आपने कंटिन्यू प्रैक्टिस करना है। सबसे जरूरी बात गाइज, स्लाइड के दौरान आपने एब्स और कोर मसल को इन्वॉल्व करना है और फाइनल पोजिशन में कुछ देर होल्ड करना है। सेकेंड एक्सरसाइज है हैंडस्टैंड ट्रैप रेज। इसमें हम दो मूवमेंट करने वाले हैं फ्रंट एंड रिवर्स हैंडस्टैंड पोजीशन में। इसके लिए दोनों जो मूवमेंट है उसके लिए आपको वॉल की जरूरत पड़ने वाली है। तो सबसे पहले हम फ्रंट में किस तरह से प्रैक्टिस करना है वो देखते हैं। ध्यान से देखें गाइज, हम स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहे हैं, ग्रेजुअली इंप्रूव कर रहे हैं। तो जैसे जैसे बता रहा हूँ वैसे वैसे आपने प्रैक्टिस करना है जिससे आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे और आपको इजी भी होगा। तो सबसे पहले गाइज इस तरह से वॉल के सामने में आ जाएं और वॉल से कम 1 फीट पीछे आपको हाथ लगाना है और उसके बाद आपने हैंडस्टैंड करना है। यहाँ पर हैंडस्टैंड करने के बाद आपने दोनों जो एल्बो है, एल्बो के साइड वाले जो मसल है यानी बाइसेप्स को आपने कानों के पास लाना है। अब आपने स्ट्रेट रखते हुए आगे की तरफ इस तरह से रेज करना है, कुछ देर होल्ड करते हुए वापस सेम पोजीशन में आ जाना है। इसी मूवमेंट को आप दोबारा से प्रैक्टिस करेंगे, कुछ देर होल्ड करने के बाद वापस अपने पोजीशन में। इसके कम से कम आपने 6 से 10 रेपिटेशन करने हैं और इसके 3 सेट आपने करने हैं। इसी मूवमेंट को हम रिवर्स हैंडस्टैंड पोजीशन में भी प्रैक्टिस करेंगे। तो सेम रिवर्स हैंडस्टैंड पोजीशन में भी आप 1 फीट पीछे लगाएंगे हाथ को इस तरह से। अब आपने क्या करना है, बॉडी को आगे की तरफ लाते हुए होल्ड करना है इस पोजीशन में और वापस जाना है। तो गाइज ये एक्सरसाइज करने का मेन रीजन है यहाँ पर आपके जो शोल्डर और ट्रैपीजियस में मैक्सिमम लोड को डालना, ताकि जब आप प्रेस हैंडस्टैंड करें उस समय आपके जो लोअर पार्ट को है आपके शोल्डर इजीली उठा सकें। तो ये एक्सरसाइज बहुत ही जरूरी है गाइज, इसमें आपके जो बॉडी का वेट है उसके अलावा एक्स्ट्रा वेट आता है आपके शोल्डर और ट्राइपीजियस में, जिससे बहुत ईजी हो जाता है जब आप प्रेस हैंडस्टैंड करेंगे उस समय आपके लोअर पार्ट को लिफ्ट करने में। जितने भी एक्सरसाइज प्रैक्टिस कर रहे हैं दोस्तों, उनका मेन रीजन यही है कि आपके प्रेस हैंडस्टैंड में यूज होने वाले जितने भी मसल हैं उनको अच्छे से टारगेट किया जाए ताकि वो इजीली आपके बॉडी का वेट उठा सकें। गाइस बढ़ते हैं थर्ड एक्सरसाइज की तरफ। थर्ड एक्सरसाइज है प्रेस नेगेटिव हैंडस्टैंड। तो गाइस अब हम इन एक्सरसाइज के बाद थोड़ी सी इंटेंसिटी को बढ़ाएंगे जिससे आपके प्रेस हैंडस्टैंड में बॉडी बैलेंस और आपकी अपर बॉडी स्ट्रेंथ डेवलप हो। तो गाइस किस तरह से करना है नेगेटिव हैंडस्टैंड, ध्यान से देख लें। इस तरह से आप वॉल ले सकते हैं, वॉल में पहले आपने हैंडस्टैंड हो जाना है, इस तरह से हैंडस्टैंड हो जाना है। अब हाथों में वेट ले लेना है आपने और पैरों को खोलते हुए नेगेटिव हैंडस्टैंड प्रैक्टिस करना है आपने इस तरह से। जितना स्लो हो सकता है गाइस उतना स्लो आपने नीचे डाउन लाना है। पहले आप ऑन बॉडी वेट के साथ करेंगे, फिर
जब इसमें कंफर्टेबल हो जाते हैं उसके बाद आपने एंकल में 1 kg या फिर 0.5 kg के एंकल वेट बाद के भी इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिससे आपका जो बैलेंस है, कोर मसल की स्ट्रेंथ है, वो जल्दी से डेवलप होगी और आपको बहुत ईजी हो जाएगा आगे वाले मूवमेंट करने के लिए। तो ध्यान से देखें एक बार, जितना स्लो हो सकता है उतना स्लो आपने नीचे लाना है। पहले हैंड स्टैंड कर लें, अब पैरों को खोलते हुए स्लोली लाना है। इस तरह से आपने कंटिन्यू रैप्स करने, इसके 6 से 10 रैप आप करेंगे और इसके कंटिन्यू आपने 3 सेट करने हैं। इस एक्सरसाइज के कंटिन्यू प्रैक्टिस से आपका स्ट्रेंथ एंड कोऑर्डिनेशन तो इम्प्रूव हो गए, साथ ही साथ आपके बॉडी को पता चलेगा प्रेस हैंडस्टैंड का फुल मूवमेंट कैसे होने वाला है। गाइस बढ़ते हैं फोर्थ एक्सरसाइज की तरफ। फोर्थ एक्सरसाइज है वेटेड प्लंच और वेटेड पाइक। तो पहले प्लंच किस तरह से करना है ध्यान से देखें गाइस। इस तरह से आप बॉक्स का यूज कर सकते हैं, हम इस तरह से दीवार का यूज कर रहे हैं। आप बॉक्स का यूज करें और थोड़ा सा अंदर की तरफ रखना है आपने हाथों को, ताकि आपके बॉडी का वेट आपके हाथों में आ सके। अब आपने बॉडी आगे की तरफ रेज करना है, इस तरह से प्लंच पोजिशन में होल्ड करना है कुछ देर, वापस आ जाएं और पाइक पोजिशन में इस तरह से होल्ड करें, दोबारा से आगे जाएं, पूरे वेट को आपने शोल्डर में डालने की कोशिश करना है, इस तरह से। तो गाइस इसके कंटिन्यू प्रैक्टिस से आपका जो बॉडी है आगे जाने से रोकने में मदद करेगा, यानी आपकी बॉडी को लॉक करने में, आपके शोल्डर को लॉक करने में इस एक्सरसाइज से मदद मिलेगा। गाइस जब प्रेस हैंडस्टैंड करेंगे, अगर आपके शोल्डर में एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ नहीं होगा तो आपकी बॉडी आगे की तरफ गिर जाएगी, यानी फॉल हो जाएगी। आपने आगे गिरने से बचने के लिए इस एक्सरसाइज को प्रैक्टिस करना बहुत ही जरूरी है। इस एक्सरसाइज से आपके शोल्डर और ट्रैप्स में एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ डेवलप हो जाएगा, जो कि आपको प्रेस हैंडस्टैंड इजीली होल्ड करने में मदद करेगा। तब तक आप इसे कंटिन्यू प्रैक्टिस करें। अब आते हैं फाइनल पार्ट, यानी फिफ्थ एक्सरसाइज में, जहां पर आपने फुल बॉडी का वेट प्रेस करते हुए उठाना है, आपने प्रेस हैंडस्टैंड करते हुए। तो ध्यान से देखें किस तरह से करना है। इसके लिए हम बॉक्स का इस्तेमाल करेंगे पहले। अगर आपके पास बॉक्स है तो बॉक्स के ऊपर करें, हम अभी वॉल के ऊपर करेंगे। इतनी हाइट का एक बॉक्स ले लें, उसके ऊपर से आपने इस एक्सरसाइज को प्रैक्टिस करना है। देखो गाइस हम डायरेक्टली प्रेस हैंडस्टैंड नहीं कर सकते, इसलिए हम पहले बॉक्स के ऊपर से, जिसमें हल्का वेट थोड़ा सा कम आएगा, उसमें प्रैक्टिस करेंगे और धीरे धीरे बॉक्स को हटाते हुए प्रेस हैंडस्टैंड को प्रैक्टिस करेंगे। तो बॉक्स के साथ किस तरह से करना है ध्यान से देखें। सबसे पहले इस तरह से क्लोज आ जाएं, बॉडी को खींचते हुए इस तरह से आपने आगे लाना है, हाथों में वेट लेते हुए हैंडस्टैंड करना है। हैंडस्टैंड में होल्ड करते हुए आपने पैरों को फिर से खोलना है और धीरे धीरे बॉक्स के पास लेके जाना है। इस तरह से पाइक बैंड पोजीशन में आ जाए। अब धीरे धीरे आपने पैरों को खोलते हुए प्रेस तो में वेट लेते हुए हैंडस्टैंड में होल्ड करना है। हैंडस्टैंड होल्ड करने के बाद कुछ धीरे धीरे वेट को और पैरों को खोलते हुए इस तरह से लेकर आना है, होल्ड करें और इस मूवमेंट को दोबारा से इस तरह से आपने प्रैक्टिस करना है। यहाँ पर ध्यान रहे गाइस, एक तो आपने झटके से मूवमेंट नहीं करना है, प्रेस हैंडस्टैंड करते हुए, प्रेस मूवमेंट करते हुए आपने हैंडस्टैंड में जाना है। दूसरा, एल्बो को बैंड नहीं करना है, एल्बो को स्ट्रेट रखते हुए आपके बैक मसल और आपके शोल्डर को इन्वॉल्व करते हुए ही आपने इसको प्रैक्टिस करना है। रिदम के साथ जाएं जैसे आपने प्रेस हैंडस्टैंड करना है। एक बार हाइट वाले बॉक्स में कंफर्टेबल होने के बाद, इजिली करने के बाद, आपने बॉक्स की हाइट जो है वो कम कर देनी है और वही एक्सरसाइज को रिपीट करना है आपने, और धीरे धीरे ग्राउंड लेवल में आना है। तो किस तरह से आप छोटे हाइट में करेंगे, सेम मूवमेंट आपने इधर भी आ जाना है। अब यहां से पाइक पुशअप पोजीशन से आपने क्या करना है, स्लाइड करते हुए इस तरह से हाथों में वेट लेना है एंड बैलेंस बनाते हुए आपने फिर से सेम मूवमेंट को कंप्लीट करना है। यहाँ पर ध्यान रहे गाइस, जब आप छोटे हाइट से कर रहे हैं उस समय थोड़ा सा आपका एफर्ट लगेगा ज्यादा। यहाँ पर एक पार्टनर को भी रख सकते हैं आप आगे, ताकि वो आगे गिरने से आपको बचाए, ताकि वो हेल्प दे सके। और जब आप कुछ दिन प्रैक्टिस करेंगे तो इसको ये भी इजीली होने लग जाएगा, उसके बाद आप ग्राउंड लेवल में प्रैक्टिस कर सकते हैं। और ग्राउंड लेवल में भी सेम गाइस, आप पार्टनर की हेल्प ले सकते हैं। ग्राउंड लेवल में पार्टनर की हेल्प के साथ कुछ दिन करेंगे तो आपकी बॉडी कंफर्टेबल हो जाएगी, इजीली करने लग जाएगी, फिर उसके बाद आप खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं। और गाइज यहाँ पर एक चीज और प्रैक्टिस कर सकते हैं आप, हल्का सा वेट लेते हुए 5 kg या फिर 3 kg का वेट लेते हुए
हैंडस्टैंड पुशअप की प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिससे आपकी स्ट्रेंथ डेवलप होगी और ये मूवमेंट जो है वो बहुत ही इजीली होने लग जाएगा। फाइनल मूवमेंट आने तक गाइज आपको कम से कम 6 से 8 वीक का टाइम लग सकता है या फिर इससे भी ज़्यादा लग सकता है, वो डिपेंड करता है आपके प्रैक्टिस में। जितने अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, जितने फोकस के साथ प्रैक्टिस करेंगे, उतनी ही जल्दी आपका प्रेस हैंडस्टैंड आएगा। इसके साथ साथ गाइज आपने लेग का जो फ्लेक्सिबिलिटी है और आपके जो बैक की फ्लेक्सिबिलिटी है उसको इम्प्रूव करेंगे तो और भी जल्दी सीख जाएंगे। ये बहुत ही जरूरी है फ्लेक्सिबिलिटी जो मूवमेंट है, शोल्डर फ्लेक्सिबिलिटी और लेग की फ्लेक्सिबिलिटी, तो इनको जरूर इंक्रीज करें। दिखाए गए सारे एक्सरसाइज को बताए गए तरीके से आप अगर प्रैक्टिस करते हैं तो बहुत जल्दी आप प्रेस हैंडस्टैंड सीख जाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि हम फ्यूचर में आने वाले वीडियो से कनेक्टेड रहें। वीडियो देखने के लिए और मेरे साथ बने रहने के लिए थैंक यू, बाय बाय, फिनिश।